क्या है माहौल, क्या है? मुन्ना भैया जिंदाबाद, मुन्ना भैया जिंदाबाद, देख सकते हैं हजारीबाग में माहौल जो है बिल्कुल कल के बाद एकदम आज बदल गया है। जोहार हजारीबाग, हजारीबाग में कल्पना सोरेन के आने से जो है माहौल बदल गया है। आप देख सकते हैं अभी अभी भाषण दिया कल्पना सोरेन ने और भाषण देके वो जा रही है और माहौल आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे माहौल है। महिलाएं हैं, पुरुष है, हर वर्ग के लोग गांधी मैदान में पहुंच गए हैं और ऐसा लग रहा है कि कल के बाद हजारीबाग का माहौल बिल्कुल बदल गया है। आप देखिए किस तरह से कल्पना सोरेन जी अभी आई और उसके बाद जी का प्रोग्राम हुआ है। मुन्ना जी क्या लगता है माहौल इस बार हजारीबाग में बदलेगा? बदल गया। आप मीडिया के बंधु हैं, आप ये तय करें कि बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। हमारा तो लग रहा है कि भाई सारा हजारीबाग है मुन्नामय हो गया। बिल्कुल, पिछले कल जो अमित शाह का प्रोग्राम हुआ था उससे उसका पूरा माहौल पलट दिया गया। कल भी भीड़ हुई थी वहाँ लेकिन उससे कुछ ज्यादा लग रहा है कि यहाँ पे लोग उत्साहित हैं। तो देख सकते हैं अभी कल्पना जी का हेलीकॉप्टर जोड़ी, कल के प्रोग्राम से ज्यादा लोग उत्साहित लग रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? आप मीडिया के बंधु हैं, आप कल भी गए होंगे, आज भी आए हैं, आप तय करके ईमानदारी से बताइए कि उत्साह कल ज्यादा, चूंकि वहाँ पर अन्य विधान, चूंकि आए थे गृह मंत्री, हाँ। तो अन्य विधानसभा से भी लोग वहाँ आए थे, यहाँ सिर्फ हजारीबाग सदर विधानसभा का सदर के लोग यहाँ पे जी। तो आपका भीड़ आपके द्वारा लाया गया, आपके कार्यकर्ता द्वारा लाया गया। हमारा प्रेम जो है मुन्ना का प्रेम है उसके चलते लोग आए। बिल्कुल, देख सकते हैं कल्पना सोरेन जो है मुन्ना सिंह जी का जो प्रेम है, जो उत्साह है लोगों के बीच में, वो आज देखने को मिला है। देखना यही है कि ये भीड़ जो है वो वोट में तब्दील होती है। शैलेंद्र यादव जी, माहौल गांधी मैदान में पूरा कल के बाद आज लग रहा है कि माहौल बदल गया, क्या सच बात है? देखिए ये तो लोगों का प्यार और जिस प्रकार से आज जो देखें कि मैया सम्मान योजना की जब बात कर रही थी आदरणीय कल्पना सोरेन जी, जो महिलाएं यहाँ बैठी थी उनके चेहरे पे जो खुशी और जो रौनक थी, ये साफ झलक रहा है कि आने वाला समय गठबंधन की पुनः सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत से हम लोग हजारीबाग और सभी सीटों पे जीत दर्ज कर। बिल्कुल, अब 3 दिन बचे हैं बस, 11, 12 और 13, अब 2 दिन में और क्या कार्यक्रम बचे हैं? आप देखिए अब जो भी बातें होगी और जो भी रणनीति है, हम लोग बूथ पे ही काम कर रहे हैं, बूथ के बहुत सारे जो और भी काम है उस पर काम जारी है, चल रहा है। लेकिन आज का ये जो माहौल है, आज का जो लोगों के अंदर जो ये गांधी मैदान में उत्साह देखने को मिला, इससे हम लोग कह सकते हैं कि लोग हजारीबाग में बदलाव की ओर देख रहे हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आज के माहौल के बाद बता रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कि यहाँ पे जो है लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं। अब देखना यही है कि ये जो भीड़ आई है वो 13 तारीख को वोट में तब्दील होती है, और होती है तो क्या हजारीबाग में एक चेंज 10 सालों के बाद देखने को मिलेगा। कल्पना सोरेन जी का इम्पैक्ट हर जगह हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो बरी हो, चाहे वो बरकट्ठा हो, चाहे बड़का गांव हो, हर जगह इतनी भीड़ आ रही है, लोग भर भर के आ रहे हैं देखने के लिए। उनका लोकप्रियता इतना ज़्यादा बढ़ा है इस चुनाव में कि अकेले ही आप समझ लीजिए कि पूरे झारखंड में स्टार प्रचारक बन गई हैं। वहीं भाजपा दूसरी तरफ कई लोगों को लेकर आ रही है, लेकिन कल्पना सोरेन जी का प्रभाव ऐसा लगता है कि उन लोगों से कहीं ज़्यादा लग रहा है। एक बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं कल्पना सोरेन जी अपने हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे हैं, साथ में प्रत्याशी जो है वो मुन्ना सिंह जो है साथ में। आप देखिए हजारीबाग का माहौल एकदम बदल गया है कल्पना सोरेन जी के आने के बाद। देखिए किस तरह से स्वागत कर रही हैं लोगों का, किस तरह से अभिनंदन कर रही हैं कल्पना सोरेन जी, और ये माहौल बिल्कुल अलग है। देख सकते हैं गांधी मैदान का नज़ारा बिल्कुल बदल गया है हजारीबाग में कल्पना सोरेन जी के आने के बाद, जो माहौल बदला है उसमें। मुन्ना जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाया है, पूरा कुल को भागा देगा। कल्पना सोरेन जी कैसी लगती है? बहुत लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। देख सकते हैं मेरे साथ कांग्रेस के NSUI के जो है कार्यकर्ता, ये बताइए गांधी मैदान में इतनी भीड़ कल्पना सोरेन जी को सुनने के लिए शायद बहुत कम होता है, देखने को मिलता है, इतना भीड़ कल्पना सोरेन जी के लिए आया, क्या लगता है इस बार? देखिए आप देख सकते हैं कि जहाँ भी कल्पना सोरेन जा रही हैं वहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ रही है एकदम, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। ज़्यादातर महिलाएं उनको सुनना चाहती हैं कि एक महिला होकर इतना तगड़ा भाषण देती हैं, आती हैं और इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हैं, अपनी बातों को रखती हैं, और जो इंडिया गठबंधन की सरकार है उस बातों को अब पहुँचाती हैं पब्लिक के बीच में। ये बहुत ही अच्छा माहौल आज का रहा, और आप भीड़ देख सकते हैं, अब देखिए चारों ओर अभी भी भीड़ है और अभी भीड़ 1 घंटे तक ऐसा ही रहेगा, लोग इधर उधर अभी आए हैं तो जाएंगे। तो क्या लगता है ये मुन्ना जी इस बार कुछ चेंज ला रहे हैं? चेंज ही तो है, ये बदलाव है, अब हजारीबाग परिवर्तन की ओर बढ़ चुकी है। अब ये 2 दिन बाद 13 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, 23 को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ये बदलाव तय है। आप देख सकते हैं कि दूसरे जो पार्टी है वो दो दो
जगह के लोगों को बुला के वो भीड़ कर पाती है, बुला के मांडू बुला ले, रामगढ़ बुला ले, यहाँ बड़का गांव बुला ले, कभी योगी आ रहे, अभी सारे तो दो दो प्रत्याशी को बुलाने के बाद वो भीड़ हो रहा है, उससे ज्यादा तो यहाँ अकेले एक प्रत्याशी का भीड़ है और सिर्फ चाहने वाले लोग हैं। अभी तो बुलाया भी नहीं गया किसी को, बस एक सिर्फ नोटिस जारी हुआ कल सोशल मीडिया के जरिए, लोग यहाँ पहुंच गए। अगर बकायदा बुलाया जाता प्लानिंग के साथ तो ये लगता है कि यहाँ जगह नहीं होता है, यहाँ माहौल अच्छा है। क्या लग रहा है इस बार मुन्ना भैया निकल रहे हैं तो निकल रहे हैं 110% जी। हमारे झारखंड के सरकार हेमंत सरकार बना रहे हैं और 100% हजारीबाग का विधानसभा का विधायक मुन्ना भैया। अब की बार झारखंड से बीजेपी एकदम साफ, बीजेपी साफ, मुन्ना भैया तो एकदम जीत रहे हैं, एकदम पूरा 100% जीत एकदम, कहीं कोई संकोच नहीं, संकोच कोई संकोच नहीं। चूंकि आज देखते हैं हम लोग भाजपा की रैली में जाते हैं तो वहां बोलते हैं कि भाजपा 100% जीत रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। जेएमएम कांग्रेस की रैली में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जेएमएम की सरकार बन रही है और जेएमएम 100% जीत रही है। तो ये इन रैलियों से अभी निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भीड़ देख के लगता है कि जो समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को इस बार पिछली बार से बहुत ज़्यादा है। वो कितने का बदलाव है और किसके पक्ष में हुआ, ये सारी बातें 23 तारीख को खुल जाएगा। लेकिन उसके पहले बहुत सारे, क्या लगता है, आप सीनियर लग रहे हैं काफ़ी, इस बार क्या कांग्रेस हमेशा हजारीबाग में भाजपा रहती है? नहीं, यहाँ पर तो कांग्रेस का पूरा चांस है। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि प्रत्याशी अच्छा, मुन्ना भैया अच्छा आदमी, प्रत्याशी अच्छा है। हाँ, अच्छा, प्रत्याशी के ही अनुसार हम लोग दे रहे हैं। क्या लगता है, आप सुनने आए थे कल्पना जी को? कल्पना जी को देखने आए थे। देखने आए थे, क्या क्यों अच्छा लगता है कल्पना जी का? कल्पना जी मतलब झारखंड के नंबर 1 नेता है। नंबर 1 नेता है। हाँ जी। उनको कोई नहीं हिला पाएगा इस बार, कोई हिला नहीं पाएगा, नहीं हिला पाएगा इस बार। पंजा ही पे हर कुछ है, पंजा भारी है हर चीज पे, बीजेपी का कट्टी कट गया है इस बार। पंजा भारी है, पंजा भारी है, पंजा भारी है। कल्पना सोरेन नंबर 1 नेता है, क्या लगता है? आप लोग भी मंच पे रहे, कल्पना सोरेन जी को सुना, नजदीक से सुना, हजारीबाग में लगातार 10 साल भाजपा की सरकार है, इस बार क्या लगता है? आप देखे हुए कि पिछले 10 सालों में यहाँ भाजपा के विधायक रहे, 2 टर्म रहे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया हजारीबाग के लिए। आज हजारीबाग का पानी को लेकर वैसे ही दिक्कत है, थोड़ा सा आपको बिजली चमकता है, पानी बरसता है और लाइट काट दी जाती है, फिर ये क्या व्यवस्था है? ना हजारीबाग का ट्रैफिक को लेकर कोई काम किया गया है, ना यहाँ किसी तरह की फैक्ट्रियाँ लगाई जिससे रोजगार मिल सके नौजवानों को जो बेरोजगार हैं। और आप दूसरी ओर देखिएगा महागठबंधन की सरकार, इन्होंने कितना काम किया है, काम के फहरिस्त इतनी लंबी कि मैं बताऊं तो काफ़ी समय लग जाएगा। और हजारे महागठबंधन की सरकार को देखते हुए, उनके कामों को देखते हुए आप प्रत्याशित भीड़ आप देख रहे हैं। कल्पना सोरेन जैसी जो झारखंड की शक्ति, नारी शक्ति है, उनके भाषण को लोगों ने सुना और उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। और हजारीबाग से, अब मैं हजारीबाग चूंकि सदर के ये प्रोग्राम था, इसमें देखेंगे क्या भीड़ आई है, तो इस माध्यम से मैं बता दूं कि बीजेपी ने जो एक प्रत्याशी उतारा है उनकी छवि क्या ये जनता के बीच सामने है। उसी के उपरांत आप देखिए मुन्ना जी की, मुन्ना भैया एक सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से रहे हैं, ये पिछले 10 सालों से लगातार यानी कि सामाजिक कार्य करते रहे हैं, और इसलिए उनकी उनके काम को देखते हुए, उनकी छवि को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी के कामों को देखते हुए, महागठबंधन की सरकार को देखते हुए, आज मुन्ना सिंह के लिए आप प्रत्याशित भीड़ खुद ब खुद आई है, उनकी मोहब्बत में आई है। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छा होगा, मुन्ना सिंह विधायक बन के आएंगे और झारखंड में महागठबंधन की सरकार हमारे जनता के लिए बहुत कार्य करेगी। क्या लगता है, परिवर्तन की हवा चल चुकी है हजारीबाग में? निश्चित तौर पे इस बार इंडिया गठबंधन हजारीबाग में जीत के आ रही है, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 10 साल शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सब में हम लोग ठगे गए हैं। आपको देख लीजिए, अभी सबसे ज़्यादा शिक्षा का खेला हजारीबाग में, जितना फीस स्कूल का, कॉलेज का बीजेपी के कालकाल में रहा। स्वास्थ्य का शिक्षा दे, स्वास्थ्य में देख लीजिए आपका, हमको लगता है हिंदुस्तान में पहला मेडिकल कॉलेज होगा जिसमें आपको कार्डियो नहीं है, न्यूरो नहीं है, यहाँ तक कि डिलीवरी पेशेंट को रांची रेफर किया जाता है। ये है बीजेपी का विकास। अब यातायात में देख लीजिए, कोयला ढुलाई 10 साल से पूरा चल रहा है, अभी हम लोग को 10 साल के बाद एक लॉलीपॉप मिला है जो 3 घंटे में रांची ले जाके जाती है, उसी में पब्लिक खुश है। तो ये है हजारीबाग का विकास। तो ये सब जनता देख चुकी है, परिवर्तन की हवा चल चुकी है, मुन्ना भैया आ रहे हैं पूरे जोरदार तरीके से और इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है निश्चित तौर पर। सकते हैं कार्यकर्ताओं में जोश है और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इस बार हजारीबाग में जो है मुन्ना भैया आ रहे हैं। कल्पना सोरेन जी ने भी स्टेज में आके बोला, यहाँ के प्रत्याशी मुन्ना भैया को जिताइए। अब देखना ये है कि ये जो कार्यकर्ता, ये जो रैली हो रही है, इस रैली का प्रभाव कितना पड़ता है हजारीबाग के वोटरों पर।